पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है, कहते हे प्रभु जगत में सबसे बड़े कौन है और किसकी आराधना और किसकी भजन करनी चाहिए। तब शंकर जी कहते पार्वती ये श्लोक है, कहते आराधना नाम सर्वेशां विष्णुं आराधनां परम। कहते पार्वती जगत में सबसे बड़ा आराधना है भगवान विष्णु की है। पार्वती बोली अगर सबसे बड़ा आराधना विष्णु की है तो फिर मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, क्योंकि माता पार्वती शंकर जी को पूजा करते हैं। मैं बोले मैं तो आपकी पूजा करती हूँ, फिर आप बता रहे हो जगत में सबसे बड़ा सेवा भगवान विष्णु की, फिर क्या मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तब शंकर जी कहते नहीं पार्वती, के तस्मात परम तरम देवी तदि आनाम समर्चनम, कि उससे भी एक श्रेष्ठ आराधना है कि जो तदीय, तदीय मतलब जो भगवान के प्यारे जो भक्त है अगर उनको कोई पूजा करते तो कहते भगवान से भी बढ़कर के उनके भक्त की पूजा है। इसलिए शंकर जी कौन है, शंकर जी श्रीमद् भागवत में बताया कहते वैष्णवा नाम जथा संभो, मतलब जितने भगवान के प्यारे भक्तों में ये शंकर जी को सबसे बड़े भक्त माना गया। इसलिए शंकर जी के सबसे प्यारे शंकर जी भगवान के, इसलिए शंकर जी के बगैर प्रभु को कोई लीला ही नहीं होता है। जब भगवान राम आते हैं शंकर जी किस रूप में आए, शंकर जी ने देखा ये शरीर से प्रभु राम की सेवा नहीं हो सकता है, इसलिए कहते रुद्र देह तज नहवास बानर भाई हनुमान। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी ने ये रुद्र शरीर को त्याग दे करके वो बंदर हनुमान बन करके आते हैं। कहते हनुमान कौन है, कहते स्वयं शंकर जी आ करके क्या कर रहे हैं, बोले प्रभु राम की सेवा कर रहे हैं। आप जानते हो हनुमान जी प्रभु के कितने बड़े भक्त है, इसलिए शंकर जी परम भक्त है। कहते पार्वती भगवान विष्णु से भी बड़े हैं, कहते उनके भक्त की पूजा। तो पार्वती ने सोचा भैया मैं तो सोच रहा था हमारा जीवन बर्बाद हो गया ये शंकर जी की पूजा करके, लेकिन ये शंकर जी की जो पूजा है शंकर जी गुरु है, हाँ शंकर जी कहते विष्णु स्वामी संप्रदाय के, आप बल्लभाचार्य का नाम सुने होंगे, उसी संप्रदाय का जो मूल प्रवर्तक है कहते स्वयं शंकर जी रुद्र है। इसलिए शंकर जी परम गुरु है। हनुमान जी कौन है, बोले गुरु है। इसलिए शंकर जी को भगवान रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए, शंकर जी को गुरु मान करके पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी को गुरु मान करके पूजा करनी चाहिए, फिर तो वो हमें भगवान कृष्ण नहीं तो प्रभु राम को पास में ये पहुंचा देते हैं। इनका काम, गुरु का काम है भगवान को पास में पहुंचा दो। इसलिए आप नरसिंह भक्त का नाम सुने होंगे, जब भगवान शंकर जी को ये पूजा करते थे, जब शंकर जी प्रसन्न हुए बोले तुम क्या चाहते हो, नरसिंह भगत कह रहा है बोले प्रभु हम तो बालक, हम तो अज्ञानी, हमको क्या पता अच्छा बुरा है, ये तो आप ही को बताओ ये मेरा अच्छा बुरा किसमें है, अगर आप मेरे को कुछ देना चाहते हो आप ये दीजिए, सबसे जो आपको प्यारा चीज हो वो चीज हमें दे दो, कर सबसे जो आपको प्यारा चीज हो वो हमें दे दो। तब शंकर जी ने कहा सबसे मेरा प्यारा है कन्हैया, सबसे मेरा प्यारा है भगवान कृष्ण है, जाओ हम तुमको हम कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए शंकर जी की कृपा से ये नरसिंह भगत भगवान की बहुत बड़े भक्त बने, जिनकी बेटी की शादी में भगवान स्वयं भात भरने जाते हैं, स्वयं बरात लेकर के स्वयं भगवान कन्हैया जाते हैं, इतने बड़े भक्त थे। इसलिए शंकर जी पार्वती के जो पूछे सबसे बड़े आराधना कौन है, पार्वती ने शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु है। कहते मैया पार्वती कुछ दिए, आपको पता होगा एक विष्णु सहस्र नाम है, भगवान का 1000 नाम है, अभी मैया पार्वती 1000 भगवान का नाम कर जप करती हैं। एक दिन शंकर जी के भोजन करने का समय आए, बोले पार्वती भोजन ले आओ, नाश्ता भोजन लाओ, बोले भोजन पहले भजन करने दो बाद में भोजन की बात करना, अभी तो भजन हुआ ही नहीं अब भोजन की बात कर रहे हो, अभी मेरा नाम भजन विष्णु सहस्र नाम अभी पूरी नहीं हुई। तब शंकर जी बोले पार्वती तेरा तेरे को
और एक सरल मार्ग बताऊंगा जो कम परिश्रम होगा लेकिन ज्यादा फल मिलेगा। जगत में सब यही चाहते हैं, परिश्रम कम और माल ज्यादा मिले, सब यही चाहते हैं। पार्वती बोले प्रभु वो क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है, लगता है आप जानते हो उस श्लोक को। कहते राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्रा नामा विस्तुल्यम श्री राम नाम बराननी। पार्वती बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी है, कहते हे बराननी हे सुंदरी पार्वती, कहते राम रामेति रमेति रम रम मन रमे, प्रभु राम का जो नाम है बड़ा प्यारा बड़ा मीठा नाम है, इसलिए राम नाम में मेरा मन उसमें रम जाए। कहते सहस्र नाम नाम कहते जो जो विष्णु सहस्र नाम जो एक बार जो विष्णु सहस्र मतलब विष्णु का 1000 नाम जो जप करता है, अगर श्री राम नाम बराने अगर किसी ने श्री राम का एक बार नाम ले लिया उसको 1000 विष्णु का नाम लेने का फल मिल जाएगा। बोले क्या एक बार राम नाम ले और 1000 विष्णु का नाम लेना फल मिलेगा? बोले हाँ पार्वती। बोले अच्छी बात है तो राम ही राम करे, इसलिए भैया पार्वती तभी से भगवान श्री राम का नाम लेती थी। बोल रघुपति राघव राजा राम पति पावन प्रभु सीताराम का नाम ले लेंगे। एक दिन कुछ दिन जप करने के बाद फिर शंकर जी मिला, बोले पार्वती जल्दी भोजन लाओ सवेरे हो गया भूख लग रहा है। बोले प्रभु पहले भजन करने दो फिर भोजन की बात करना, अभी भजन मेरा पूरी नहीं हुई है। फिर शंकर जी इधर तेरे को और एक नाम बताऊंगा जो कम परिश्रम में तेरे को ज्यादा फल मिलेगा। पार्वती बोली प्रभु कौन सा नाम है? बोले बैठो यहाँ पर। तब शंकर जी कहते हैं बले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिराबित्वा तु चत फलम एकवृत्वा तु कृष्णस्य नामैकताद प्रजच्छति। ये संस्कृत श्लोक है, शंकर जी कह रहे हैं बले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम। ये जो सहस्र नाम भगवान विष्णु का कहते त्रिराबित्वा तु चत फलम, अगर कोई 3000 विष्णु सहस्र का नाम ले उसको जो फल मिलेगा, बोले एक वृत्वा तु कृष्णस्य, अगर किसी ने एक बार से कृष्ण का नाम लिया नामैकतत् प्रयच्छति, वह नाम 3000 विष्णु सहस्र नाम लेने का फल मिलेगा। इसका मतलब है जब एक बार हम कृष्ण नाम करते हैं कि 3 बार से प्रभु राम का नाम और 3000 विष्णु का नाम लेने का फल मिलता है। इसलिए बोले पार्वती, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं इति चांस कलाबुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण 16 गला में परिपूर्ण है। हाँ ये 16 गला में है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं सारे कारण का जो मूल कारण है ये भगवान गोविंद है, ये कृष्ण कन्हैया है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए कन्हैया कृष्ण का नाम सर्वश्रेष्ठ है। बोले प्रभु फिर तो कृष्ण का नाम लेनी चाहिए। कहते हाँ पार्वती भगवान कृष्ण का नाम लेनी चाहिए। तभी से मैया पार्वती श्री कन्हैया का नाम लिया करती थी। जब कुछ दिन कृष्ण का नाम लिया, एक दिन फिर शंकर जी फिर भोजन मारे। बोले भोजन ले आ पार्वती जल्दी जल्दी। बोले अभी भजन नहीं हुआ, भोजन की बात कर रहे, अभी भजन पूरी करने दो। बोले पार्वती इधर आओ
और एक बड़े रहस्यपूर्ण बात बताऊंगा, अभी जो बात अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, ये मेरी दिल की बात है। कहते पार्वती कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले आप क्या बोलते हो, आप कुछ दिन पहले यही बोले कृष्ण से बड़े कोई है नहीं, कृष्ण सोलह कला में परिपूर्ण सर्व कारण का कारण आप खुद बताए, फिर आज बोल रहे हो कृष्ण से भी एक बड़ा नाम है। कहते पार्वती मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बाकी भी यार बता रहे हैं इस वही, ये कृष्ण स्वयं बताए ये बात को, अपना दिल बात को उन्होंने सभी को नहीं बताया, उन्होंने मेरे को कहा था। बोले क्या बोले, बोले बताओ। बोले कृष्ण कहते हैं, बोले मम नाम सत्यनाथी राधा नाम सदुतम जह करोति राधा नाम ना जाने महिमा की उत्तम। बांके बिहार कहते हैं अगर मेरा कोई 1000 नाम ले, और किसने एक बार श्री श्रीमती श्री राधा रानी का एक बार नाम ले ले, कहते मेरा 1000 नाम लेने का फल है, श्री राधा रानी का नाम लेते ही 1000 नाम का फल मिलता है। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए बाकी बिहारी स्वयं कहते हैं, इसलिए आप वृंदावन में जाओ, किसको कृष्ण कृष्ण बोलते ही किसी को नहीं मिलेगा, वहां पर सबके सब श्री राधे राधे राधे। वहां का रिक्शा वाला देखना उसमें बेल लगा नहीं पाता है। हमने कभी पूछा तुम इसमें बेल क्यों नहीं लगाते हो, कहते अगर बेल लगाएंगे तो राधा रानी का नाम मुंह से नहीं निकलेगा, वो नहीं बोलता है हट जाओ। बोले राधे 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 राधे, एक भांगी को देखना वो हट जाओ नहीं बोलेगा, बोले राधे राधे। हाँ एक वहां पर राधा रानी का नाम इसरा में सारे काम, अगर किसी को बुलाना हो ना इधर आओ कोई नहीं बोलेगा, बोले राधे राधे। हाँ अगर कोई चीज देना बोले राधे राधे। कहते राधा रानी का नाम की इशारा पर ही वहां सारे काम राधा रानी की नाम का इशारा पर होता है, इसलिए राधा रानी की, इसलिए बोलते हैं ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। इसलिए राधा रानी का नाम लेते श्री बिहारी जी अपने आप आ जाते हैं। जब बोले पार्वती ने बोली प्रभु फिर तो मैं राधे 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 रटू। शंकर जी बोले पार्वती इसमें एक रहस्य बात। बोले फिर क्या रहस्य की बात। बोले ये राधा रानी का नाम लेने से वो राधा रानी नहीं आती है, कौन आते हैं। कहते राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, कहते राधा रानी का नाम लेते ही वो राधा रानी नहीं वो बिहारी जी आते। बोले फिर, बोले अगर सिर्फ बिहारी जी का नाम लोगे फिर तो वहां पर राधा रानी आती, मतलब राधा नाम लेने से कृष्ण आते हैं और कृष्ण नाम लेने से श्री राधा रानी आती है। बोले प्रभु अब तो बड़े कंफ्यूज में डाल दिया, अब क्या करूं, राधे राधे बोलू ना कृष्ण कृष्ण बोलू, अब करूं क्या। बोले पार्वती ये जुगल नाम को लेनी चाहिए, दोनों का नाम लेनी चाहिए। बोले कैसे। बोले हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए पार्वती ये हरे कृष्ण महामंत्र लेनी चाहिए। बोले प्रभु ये तो खिचड़ी हो गया जैसे, इसे हरे हरे फिर राम राम फिर कृष्ण कृष्ण, इतने बहुत बहुत कुछ नाम इसमें, इसका मतलब क्या है। शंकर जी कहते पार्वती इसमें भी बड़ी रहस्य बात है। बोले क्या है। बोले इसमें जो हरे शब्द है ये श्री राधा रानी का नाम है, इसका मूल शब्द हरा है। संस्कृत पढ़े हो कोई, इसलिए जो संस्कृत पढ़े हो, जैसे स्कूल में संस्कृत पढ़े हो कोई आप लोग, हाथ उठाओ तो कौन संस्कृत पढ़े, पढ़े ही नहीं अभी स्कूल में, इसको पूरा 1.5 लाख भी कर दिया है। जैसे आप लोग जैसे हाँ टेंथ तक पढ़े ना, जैसे उसमें शब्द रूप होता है, जैसे लता शब्द, जैसे संस्कृत में लता लते लता लताम लते लता लता था लता, जो शब्द होता है वो अकारांत स्त्रीलिंग है, वो जा करके संबोधन में हो जाता है हे लते। इसलिए उसी तरह इसका जो मूल शब्द है हे हरा, हरा शब्द स्त्रीकार स्त्री लिंग, ये हरा शब्द है। जब ये संबोधन में जाते हो जाता है हे हरे, मतलब हे राधिके।
क्योंकि महामंत्र ये एक श्लोक है, ये एक श्लोक है, इसलिए जो हरे शब्द है कहते श्री राधा रानी का नाम है, कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को वो हरण करती है, इसलिए उनका नाम हरे है। इसलिए हरे मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब कृष्ण है जो सब जीव को जो आकर्षण करते हैं, सभी को मन को प्राण को चित्त को जो हरण करने वाले हैं, कर सती थी कृष्ण विश्व ब्रह्मांड को जो आकर्षण करते हैं। इसलिए हमारा मन बड़ा चंचल है, कहते कृष्ण नाम लेते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। हरे मतलब दूसरा अर्थ होता है हमारे पाप ताप दुख कष्ट को हरा, हरे नाम लेते ही सब खत्म हो जाता है। और फिर हरे राम है, फिर श्री राम का नाम आ गया, बोले हरे हरे मतलब हो गया श्री राधा रानी, फिर राधा को साथ तुम तो श्याम रहते, बोले राम कहाँ से आए। कहते महामंत्र में जो राम शब्द है कहते कृष्ण का नाम ही है, बोले कैसे, जो कहते ना जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, कहते श्री राधा जी को साथ में कृष्ण रमण करने से, ये रमण शब्द से ये राम है, राधा रमयति इति राम, राधा जी को साथ में जो रमण करते हैं, इसलिए जो महामंत्र है ये संपूर्ण राधा कृष्ण का ही ये मंत्र है। पार्वती तभी से ये हरे कृष्ण महामंत्र को, श्री पार्वती ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करती हैं। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट मेरे साथ में कीर्तन कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 सुना काशी नाम सुने हो, जहाँ से काशी विश्वनाथ जी रहते हैं, कि तो वहां पर कोई एक गरीब ब्राह्मण था जिसके घर में एक कुंवारी लड़की थी। अभी वो लड़की शादी के लायक है, लेकिन बेचारा गरीब ब्राह्मण, पहले तो ब्राह्मण लोग ठाकुर को सेवा पूजा ही करते थे, इनका यही धर्म है, अभी बेटी को शादी देने के लिए कोई पैसा नहीं, इसलिए उन्होंने काशी विश्वनाथ जी की उन्होंने आराधना की।
बड़े थोड़ी से दूध पी करके शंकर जी की जब आराधना की, शंकर जी संतुष्ट हुए, दर्शन दिया, बोले बेटा तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु घर में एक बेटी कुंवारी है, अभी शादी देने के लिए कोई पैसा नहीं घर में, अगर कुछ पैसा हो जाता तो बेटी की शादी दे देती, इसलिए कुछ हमको पैसा चाहिए था। कहते प्रभु मेरे को और एक चीज की चाहिए जरूरत। बोले किस चीज की? कहते जगत में भले ही जिसको जितने मिल जाए, जगत में कोई तृप्त नहीं होते, इसलिए हम क्या बोलते, कमाई करो कमाई करो। कमाई मतलब क्या? कम आई और ज्यादा आनी चाहिए, कमाई कहते ना, कमाई कम आई और ज्यादा आनी चाहिए, ये मतलब कमाई है। इसलिए भले ही जिसको जितने टाटा बिरला को पूछो तभी वो खुश नहीं, सबसे ज्यादा पैसा वाला देखो पूछो बोला उससे भी ज्यादा और पैसा चाहिए, इसलिए किसका तृप्त नहीं होता है। जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने पर उसको लगे इससे और बड़ा जगत में कुछ नहीं, जीवन में ये सबसे बड़ी वस्तु मिल गया, इससे बड़ा वस्तु कुछ तृप्त हो जाए ऐसे कोई चीज नहीं जगत में। इसलिए प्रभु आप चाहते हैं, शंकर जी का परम वैष्णव है उनको पता है कि अगर तुम ये चीज चाहते हो एक काम करो, तुम वृंदावन में जाओ, वहां पर एक संत है जिनका नाम श्री सनातन गोस्वामी है, बहुत बड़े ब्रज में सबसे बड़े संत वही है, आप उनको पास में जाओ तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो काशी विश्वनाथ से चल चल करके आए, आज से 5 साल पहले बात है, उस समय ट्रेन बस कुछ नहीं था, उस समय चलते चलते आए वृंदावन में, पता लगा महीना भर लग गया, पूछा यहाँ पर ये सनातन बाबा कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं? बोले वो रहते कालियाधर के पास में, हाँ मदन मोहन टीला कालियाधर के पास में रहते हैं। जो ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते गए, देखा बाबा फकड़ बाबा कुछ है ही नहीं, अपना रहने का भी ठिकाना नहीं और कुछ नहीं, हाथ में ऐसे एक जप माला, हाँ हाथ में ऐसे एक जप माला है और लंगोटी पहने हुए और एक एक लोटा पास में, लोटा सोटा लंगोटा और कुछ है ही नहीं तो पास में। बाबा माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान का नाम ले रहे हैं और आंखों से आंसू की झरी बह रही थी, उनका रोम रोम खिल रहा था। जब उन्होंने आकर के उनको प्रणाम किया, उनको देखते ही तो उनको होश उड़ गया, ये जिसके पास में कुछ है नहीं ये मेरे को क्या देगा, जिसका अपना रहने का कोई ठिकाना है ही नहीं, लेकिन शंकर जी ने भेजे हैं। जब उनको प्रणाम किया बाबा का आंख खुला तो बोल आपको हम क्या सेवा करेंगे ब्राह्मण देवता, बोल आप क्या सेवा करोगे, मैं काशी विश्वनाथ जी ने आपको पास में भेजा है। बोले काशी विश्वनाथ भेजे? बोले हाँ। बोले क्यों भेजे? बोले मैंने उनका आराधना की, वो संतुष्ट होकर के बोले हमको लड़की को शादी देना, कुछ हमें पैसा चाहिए, और मैंने उनको पूछा था पृथ्वी में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने पर जीव का सब कुछ मिल जाए, आप कृपा करके कुछ दो। तो वो पहले थे प्राइम मिनिस्टर, राजा हुसैन साहब का बंगाल की, उसका प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो इतने बड़े संत, हम तो रिश्वत कभी दे दे करके नौकरी लेते हैं, लेकिन उन नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया है, और कितना पैसा दिया जानते हो? उसी समय 10,000 स्वर्ण मोहर, और एक एक रुपया उस समय सोने का होता था, 10,000 स्वर्ण मोहर उन्होंने रिश्वत दिया कि नौकरी हमारा छूटे और वृंदावन में जाऊं और भगवान की भक्ति करूं। इतने बड़े संत हुए, हम तो भगवान को दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी उनको दर्शन करने आते थे, हम ठाकुर को दर्शन करने जाते थे, ठाकुर जी इनको दर्शन करने आते हैं, वो इतने बड़े संत हुए हैं, इनका अद्भुत चरित्र है वहां पर, अद्भुत चरित्र वहां पर है, भगवान कितने बार उनके साथ में साक्षात बात करते थे, बिना नमक का रोटी जब ठाकुर को खिलाते थे, बोले सनातन ये गले को नीचे नहीं उतर रहा है, उसमें थोड़ा नमक तो देता, सब्जी तो दूर का बात, अरे उसमें थोड़ा नमक तो दिया करो, बिना नमक के हम कैसे खाए? वो संत कहते थे आज नमक बोलोगे, कल बोलोगे सब्जी दो, फिर बोलोगे मिश्री दो, फिर बोलोगे मक्खन दो। कहते मैया जसदा घर में न लाग गया थी, तभी तेरा पेट भरा नहीं, तुम घर घर में चोरी चोरी कर खाता था, इतने मैं कहां इतना लाऊं, मतलब वो ऐसे संत हुए हैं, अद्भुत है उनका संत। कहीं वृंदावन में जाओगे उनका सारे लीला स्थली दर्शन करोगे, कहां पर उन्होंने क्या किया प्रभु के साथ में लीला की,
अभी स्पष्ट रूप में प्रमाण देता है। इसलिए उन्होंने भजन करने के लिए आए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बोले देखो जब मैं प्राइम मिनिस्टर था मेरे पास में जो ब्राह्मण आए उनकी सेवा की, अभी तो मैं सब छोड़ करके अभी तो किसी तरह से थोड़ा चून आटा मांग करके कभी पानी में घोल करके नहीं तो बिना नमक की टिकिया बना कर खा कर भजन करता हूँ, मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं। भैर बड़ा उदास हो गया, महीना वर्त के चलते चलते आया और वो संगीय कार्य शंकर जी बजे बोले मेरे पास में कुछ है ही नहीं। बेचारा तो बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर के निराश होकर के वो वापस जा रहा था। ये सनातन गोस्वामी ने सोचा ये शंकर जी भेजे, शंकर तो झूठ कहीं बोलेंगे नहीं, शंकर तो सब जानते हैं, फिर मेरे पास में उन्होंने क्यों भेज दिया उनको। उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया क्या सचमुच से मेरे पास में अभी कुछ है क्या। ध्यान लगाया तो उनको याद है, बोला हाँ बात सही है। कभी कभी उन्होंने यमुना में स्नान के लिए गए थे, जब यमुना में स्नान के लिए जो लोटे की उन्होंने यमुना का पानी में डाले इसमें एक स्पर्शमणि, स्पर्शमणि मतलब जिसको लोहे में स्पर्श कराने पर जो सोना बन जाता है, उनको स्पर्शमणि मिला था। लेकिन वो स्पर्शमणि को उन्होंने कूड़ादान में फैले रखे थे, कूड़ादान जानते हो घर का झाड़ू लगा कर जहां पर कचरा फेंकते थे वो वही पर फेंक रखे थे, लेकिन उनको स्मरण ही नहीं था। जब उनको स्मरण आया मेरे पास में तो हे उसको तो मेरे को मिला था, फिर उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, बोले ब्राह्मण देवता इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले क्या बात है, क्या देखो तो कुछ दिन पहले मेरे को एक स्पर्शमणि मिला था, मैंने वो कूड़ादान में फेंक रखा था, है कि नहीं। उसको तो सुन करके सबसे बड़ा आश्चर्य लगा, स्पर्शमणि। स्पर्शमणि कहते हैं भारत में कहावत है, सात राजाओं का धन मिलकर के एक स्पर्शमणि के बराबर नहीं हो सकता है। सात राजाओं का धन मिलकर के इतने कीमती है जो लोहे को भी जो सोना बनाने वाली है। बड़ा उनका आश्चर्य हुआ, कभी स्पर्शमणि को कूड़ादान में फेंक कर रखे। तब सचमुच से जा करके जो कूड़ादान हटाया देखा एक चमकीले वहां पर पत्थर है। बड़ा आश्चर्य लगा, वो सुन रखा ये लोहे को भी ये सोना बनाने वाले हैं। तब उनका हाथ में था ताबीज, तब उन्होंने जब स्पर्श कराया सचमुच से देखा लोहे सोना बन गया। उनको बड़ा आश्चर्य लगा, इतनी कीमती चीज को कूड़ादान में फेंक रखे थे। उनको पास में आए बोले मिल गया, बोले बाबा मिल गया, बोले ले जाओ तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब उस स्पर्शमणि को ब्राह्मण लेकर के जा रहा था, जब थोड़ी दूर गया उन्होंने शंकर जी से क्या मांगा था, ऐसे कौन सा चीज है जिसको पाने पर जीविका सब कुछ मिल जाए। स्पर्शमणि इतना कीमती चीज मिला, लेकिन शंकर तो परम वैष्णव, ये बाबा भी परम वैष्णव है, वो ऐसे चीज देते हैं जिसे इसी जीवन में भी सुखी रहो उसको बाद में तो चिरकाल के लिए सुखी सुखी हो जाओ। हाँ वो क्या है, कहते भगवान का भक्ति और भगवान का प्रेम है। हाँ इसलिए उन्होंने जब थोड़ी दूर गए उनका बुद्धि अपने आप बदल गया। वो सोच रहा है वो व्यक्ति, ये बंगला में कीर्तन है, कभी लोग लिखे हैं वो कीर्तन है, बोले जे धने हैया धनी मनि रे ना मान मनि सही धन देह मरे खाने। इसका मतलब है वो सोच रहे हैं भैया ये ऐसे कौन सा धन में इतने बड़े धनी बन गए, जो स्पर्शमणि जैसे वस्तु को उन्होंने कूड़ादान में फेंक रखे थे। कूड़ादान में था उधर का कचड़े को हम फेंक देते हैं, इसका मतलब है इससे भी कोई श्रेष्ठ संपत्ति इनको पास में है, तभी तो ये चीज को फेंक दिया है। वो चीज है क्या चीज, जिस धन में धनी होकर के इतने कीमती चीज को उन्होंने ठुकरा दिया। अगर वह चीज मेरे को थोड़ा मिल जाता मेरे जीवन धन्य हो जाता। वापस आया बोले बाबा एक प्रश्न आपको करूं। बोले बताओ। बोले ये बताओ आपको पास में ऐसे कितना कीमती धन है जिस धन में आप धनी होकर के और इतने कीमती चीज को कूड़ादान में फेंक दिया था, बाबा वो धन थोड़ी से दोगे। तो बाबा कहते हैं क्या सच सच तो बोल रहे हो ना, ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, बाबा मैं सच सच बता रहा हूँ। कहते अगर वो धन चाहते हो पहले काम करो, इसको लेकर के आंख बंद करके यमुना में फेंक करके और स्नान करके आओ, फिर तो वो धन तेरे को मिलेगा। लेकिन उनको विश्वास हो गया था, क्यों, शंकर जी की कृपा हुई है। हाँ और ये संत को उसके ऊपर कृपा हुई है, सचमुच से उस स्पर्शमणि को उन्होंने यमुना में फेंक दिया। अब अकबर का नाम सुनोगे, वो अकबर का समय था। अकबर को जो पता चला स्पर्शमणि इनको मिला था उन्होंने यमुना में फेंक दिया, ये अकबर ने लोहे का
जाल बना करके पूरा जमुना को छांक डाला उसको ढूंढने के लिए। कहते उसका नीचे जो वो लोहे होते दो चार लोहे तो सोने बने, लेकिन स्पर्श मणि उसको पिला उसका हाथ में नहीं आया। हाँ अभी सचमुच से उनको विश्वास हो गया, उन्होंने फेंक दिया, उन्होंने स्नान करके आए। जब स्नान करके आए जानते हो उनको पिला दिया, उनको ऐसे कि माला झोली दिया, बोले देखो लो जगत में सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम धन है, ये हरि से बड़ा हरि का नाम है, इससे बड़ा धन कुछ नहीं। इसलिए मीरा गाती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिरियों कंगाल हुए, सोना चांदी माया बालो मैं समझाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। इसलिए यहाँ पर भगवान नाम को हीरे मोती को साथ में बराबर दिया। जितने भी भगवान का नाम हीरे मोती को साथ में नहीं बराबर, भगवान उनका नाम एक ही वस्तु है। हाँ भगवान का नाम तो साक्षात भगवान है, लेकिन साधारण रूप में यहाँ पर उदाहरण दिया है। तो उन्होंने ये नाम दिया है, लो ये माला लो, लेकर के भगवान को भजन करो। देखो बेटी की शादी की चिंता मत करो, बाबा ने सुनता अब बैठो यही भजन करो, बेटी की शादी अपने आप हो जाएगी। क्यों? जब कोई प्रभु का भजन में लग जाते हैं, कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं उसका दायित्व तो मेरा हो जाता है, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके मेरे भजन में लग गया, फिर उसका सारे काम को कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए भगवान स्वयं करते, सचमुच से उसके बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह से किया, ठाकुर जी व्यवस्था कर दिया, और उसने ये माला जप करते करते प्रभु का नाम करते करते एक दिन बांके बिहारी का दर्शन मिला और अपना जीवन को धन्य बना लिया। इसलिए जगत में सबसे जो बड़ी कृपा शंकर जी किस जब किसको पर में कृपा करते हैं, ये भगवान की संतों को साथ में मिलाते हैं, और उनको क्या मिलता है, भगवान का नाम मिलता है, और प्रभु का भजन करते हुए अपना जीवन को धन्य बना देता है। इसलिए हम लोगों को भी क्या करनी चाहिए, बोले कलयुग में भगवान का नाम ही एक प्रभु को पाने के लिए आधार है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में भगवान को पाने का और जोग नहीं, तपस्या नहीं और कुछ नहीं, केवल उसका नाम ही एक कलयुग में ये एक आधार है। इसलिए भगवान के नाम को हमें जप करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब गुरु भाई बहन सबके सब, अगर किसको इच्छा हो हम माला जप करने को रख रहे माला है, आप कथा के बाद में इच्छा हो तो माला ले लेना, झोली ले लेना, और जब जब समय मिले भगवान की नाम जप करना। मेरे पीछे कीर्तन कर लो। बोले नंद जुक लाला अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो देला, मेरे नंद जी को लाला लबेला, मेरी मटकी में मार गयो देला, मेरे नंद जी को लाला लबेला, मेरी मटकी में मार गयो देला, मेरे नंद जी को लाला लबेला, मेरी मार गयो देला, मेरी
कमला की ब्रज कृष्ण कन्हैया की जय जय श्री राधे। हम लोग गत कल्य श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए। कहते जन्म गोकुल मतलब क्या है और कृष्ण जन्म हुए गोकुल में। कहते गो मतलब होता है इंद्रिया और कुल मतलब होता है इंद्रियों का कुल समूह है। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण किया भगवान कैसे कहां किस रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हमारा हृदय ही समझो गोकुल है, गो मतलब इंद्रिय का जो समूह है। इसलिए भगवान कब प्रकट होते हैं कल हम लोगों ने सुना, पहले कंस ने पहले 6 बच्चों को मारे, 6 बच्चे मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जब इसको समाप्त करते हैं कहते आधार स्वरूप में श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुई। कहते बलदेव प्रभु श्री गुरु तत्व है। इसलिए भगवान कब प्रकट होते हैं, जब जीव श्री गुरु जी के चरण में शरणागत होते हैं। इसलिए उनका नाम गुरु है। गु मतलब होता है अंधकार, बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तत्व निरोधक। बोले हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को जो हटा दे तब भगवान अष्टम स्टेज में स्वयं भगवान कृष्ण हृदय में प्रकट होते हैं। कल हम लोगों ने सुना था कैसे भगवान कृष्ण गोकुल में कैसे जन्म हुए और सारे ब्रजवासी कैसे सब के सब मिल करके नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबके सब ब्रजवासियों ने बड़े आनंद महोत्सव ब्रजवासियों ने मचाया। अभी कंस ने देखा, अभी जिसको मारने के लिए हमने इतना षड्यंत्र किया लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आया। और कंस जब वो बेटी को मारने के लिए गई, जिस बेटी को बेटे को रख करके वसुदेव महाराज बेटी को लाए थे, अभी तक वो बेटी स्वयं जोग में आती, लेकिन कंस ने जब देवक के हाथ से छीन लेता है तो अभी कंस का हाथ ही वो कोई महामाया। जब उसने पछाड़ मारने के लिए गया इतने में वो आकाश में उड़ गई और कंस को बोले रे मूढ़ कंस मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाले तो अन्य तरह जन्म ले लिया। कंस तो बड़ा चिंताएं पड़ गया। सारे अपना अनुजायों को उन्होंने बुलाया, जितने सारे पुतना अघासुर त्रिनावर्त सकटासुर बकासुर सबको उन्होंने बुलाया, बोले बता मुझे क्या करनी चाहिए, मेरे शत्रु और कहीं जन्म ले लिया क्योंकि मेरी कुलदेवी झूठ बोलेगी नहीं। इतने में पुतना ने कहा भैया खड़े होकर के, बोले मेरा नाम क्या है, बोले पुतना, बोले पुतना मतलब क्या है, पुत मतलब पुत्र, नाम मतलब नहीं जिसका बेटा नहीं। बोले ये पुतना रहते बेटे का क्या काम, पुत्र का क्या काम है, मेरे को आदेश देना, मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, जत्र तत्र चाहता में प्रवेश कर सकती हूँ, मेरे को आदेश दे। कहीं अगर बेटा जन्म लिया होगा 1 महीना अंदर में तो जन्म लिया होगा, बोले हाँ, बोले मेरे को आदेश दे कहीं भी 1 महीना के अंदर में कहीं भी पुत्र जन्म लेगा सबको मैं समाप्त कर दूंगी। बोले बहन ये काम को जल्दी जल्दी करो। अभी पुतना सीधा आ गई गोकुल में आ गई। जब पुतना गोकुल में आई तब श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, बोले नजत्र श्रवणादिनी रक्षघ्नानि स्वकर्मसु। कहते पुतना के और एक अर्थ होता है, पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं जो अपवित्र है। बोले कहाँ आई, बोले गोकुल में आई। बोले गोकुल में कैसे आई, क्योंकि कहते जो पुतना मतलब जो अपवित्र है, कहते जो डाकिनी साकिनी भूत पिशाच ये जितने होते हैं, बोले कहाँ प्रवेश करते हैं, बोले नजत्र श्रवणादिनी, जिसको घर में भगवान का कीर्तन नहीं, ठाकुर जी का भजन पूजा पाठ नहीं होता है, कहते वो सारे अपवित्र वही प्रवेश कर जाती है। लेकिन जहां पर ठाकुर जी का नाम कीर्तन भजन हो, कहते अपवित्र कभी वहां प्रवेश नहीं कर सकती है। और यहाँ पर तो प्रभु का नाम की बात छोड़ दो, यहाँ पर तो स्वयं आनंद कंद भगवान कृष्ण स्वयं गोकुल में प्रभु लीला कर रहे, पर यहाँ पर पुतना कैसे प्रवेश कर दी, ये प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी की। तब कह रहे हैं कहते भगवान कन्हैया की इच्छा है, नहीं कि उनको इच्छा के बगैर, उनको जोग माया की इच्छा के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। बोले पुतनाओं क्यों उन्होंने बुला दिया, कारण किया,
बोले जिन जिनियों को भगवान का शत्रु रूप में ऊपर से देखते हैं वो शत्रु नहीं, एक तरह से प्रभु की लीला को मदद करने वाले हैं। कहते अगर कंस नहीं होता तो प्रभु का इतना बड़ी थोड़ी लीला रचता, अगर रावण नहीं होता तो प्रभु का इतना बड़ा थोड़ी लीला होता। हाँ, एक तरह से इन लोगों ने भगवान का लीला को मदद दिया है। हाँ, इसलिए कृष्ण की इच्छा अगर पुतला नहीं आती तो हम बैठ कर क्या सुनते कथा, अघासुर बघासुर नहीं आती तो कथा हम कहां सुनते। हाँ, इसलिए एक तरह से ये प्रभु की लीला को ये मदद करने वाले हैं। अभी पुतना जब आ गई तो पुतना कैसे बन करके आई थी, बोले बल को स्मितांग विकसित, इतने सुंदरी बन करके आई थी, क्या उसकी चलना, क्या उसकी टेढ़ी नजर, क्या उसकी शरीर की चेहरा की श्रृंगार, ऐसे लग रहा था भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माता लक्ष्मी स्वयं कमल बन से प्रकट होकर के प्रभु को स्वागत करने आ गई। इतने बढ़िया वो रूप बन करके आई थी, बोले इतने बड़ी सुंदर बनने का क्या जरूरत था, उधर आख्या सी है, किस लिए इतना सुंदर बनी, बोले इसलिए वो सुंदर बन करके आई, उसको कोई रोक ठोक नहीं सके, वो आसानी से जहाँ इच्छा वो प्रवेश कर जाए। हाँ, अगर कोई महिला कपड़ा पहना हुआ हो, कृष्ण तो राजा की बेटा आई, घर में गेट को अंदर भी घुसने नहीं देगी। हाँ, इसलिए अगर बढ़िया एकदम ठाट बाट से बड़े सुंदर रूप धारण कर तो आपको कोई रोकने ठोकने वाले नहीं होगा, जहाँ इच्छा आप उधर आप प्रवेश कर सकते हो। इसलिए उसने इतने सुंदर बन करके पुतना आ गई, आ करके गोकुल में जहां जहां आई गोकुल में केवल एक ही चर्चा वहां पर है, सबके सब एक ही बात कर रहे हैं, कहते सुने हैं एक नंदक एक लाला भयो है, एक सुंदर बालक हुआ है, इतना सुंदर इतना प्यारे है, इतने सुंदर बालक हमने कभी देखा ही नहीं। हाँ, देखने में तो हो कालो काला है लेकिन जगत को आलो करने वाले, वो सर्वत्र एक ही चर्चा केवल कृष्ण कृष्ण है। कई पुतना सोच रही है भैया इसका गुणगान सुनते सुनते कान मेरा पक गया मेरा। सीधा उसने नंद भवन में प्रवेश की, जब नंद भवन में प्रवेश की मैया यशोदा कृष्ण को रोहिणी पलना में झूला रहे थे, जब झूला रहे थे सीधा पुतना जाकर कृष्ण को पकड़ करके उन्होंने स्तन पान करने कराने गई। कभी ये रोहिणी यशोदा बोली नहीं कुछ क्यों, जैसे बाहर से कोई आए अगर अपना बेटे को गोद में उठा ले पूछेगा था ना, लेकिन ये लोग बोले नहीं कुछ क्यों, बोले इसलिए नहीं बोले वो इतने सुंदर बन करके आई थी उनको हिम्मत ही नहीं हुआ पूछने के लिए, बोले पता नहीं ये कहां से स्वर्ग से कोई देवी तो नहीं आ गई। अभी पुतना को जब उन्होंने गोद में उन्होंने उठाया, गोद में उठाते समय इतने में कृष्ण ने अपना आंख को बंद कर देते हैं, तब हमारे टीकाकारों ने इसका बहुत कुछ अर्थ बताते हैं, कृष्ण आंख क्यों बंद किया है। कद इसका प्रथम कारण बताया, कृष्ण ने देखा अगर मैं आंख खोलूंगा तो कद ये पुतना कौन है, कद ये पुतना साक्षात अविद्या है, ये पाप स्वरूप है, कद जो पाप है मेरे सामने कभी पाप टिक नहीं सकती, अगर मैं आंख खोलू तो ये तो जल फूल कर राख हो जाएगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया। पहला कारण इसको सिर्फ वल्लभाचार्य कह रहे हैं, और दूसरा कारण बताए कि तेरा मुंह में देखना नहीं चाहता हूं, बोले क्यों, बोले आई तो तू गोकुल में, हाँ मेरे धाम में कथा बजा, कल आई तो मेरे धाम में तुम आए हो लेकिन तुम बाहर एक और अंदर में एक हो। कहते बाहर क्या, बोले बाहर तो मैया का रूप धारण करके रखी हो लेकिन अंदर में तुम कपट दे। भगवान कहते हैं कपट व्यक्तियों को मैं प्रसन्न नहीं देता हूँ, कपट व्यक्ति को मैं आदर नहीं करता हूँ, तो बाहर और भीतर एक बनकर नहीं मेरे पास में आओ तो एकदम सरल सीधा बन करके आओ, मैं वैसे ही टेढ़ा हूँ, अगर मेरे पास में सीधा होगे तो मैं सीधा बन जाऊंगा, अगर टेढ़े बन करके आओ तो मैं तो पहले ही टेढ़ा हूँ, इसलिए हाँ कृष्ण तो टेढ़े है ही है, इसलिए मेरे पास में आओ तो एकदम सीधा हृदय को सरल बना करके आओ, फिर बंसुरी बन करके कृष्ण उदाहरण देते हैं, बंसुरी बन करके आओ मेरे पास में, जो बंसुरी का बीच पूरा खाली होता है, इसलिए कृष्ण जैसे चाहते हैं उसमें वैसे स्वर्ग भर देते हैं। हाँ, क्यों स्वर भर देते हैं, क्योंकि वो बीच में खाली है, इसलिए कृष्ण कहते मेरे पास में एकदम सरल सीधा बनकर एकदम पोला बनकर के आओ, फिर तो मैं तुम्हारे अंदर में प्रेम भर दूंगी, कपड़ता लेकर के आओगे तो फिर तो मेरे को मैं तो टेढ़ा है ही हूँ, इसलिए भगवान ने उन्होंने आंख बंद कर दिया, बोले कपट व्यक्ति को मैं मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। तीसरा कारण बताए, बोले तू आई कहाँ, बोले गोकुल में,
बोले जानते हो ये गोकुल में अभी कौन कौन जन्म हुए, जितने सब लड़कियां हैं, कोई ललिता, कोई विशाखा, कोई चंपकलता मेरे सखियां बनकर के आई है, और जितने बालक बनकर के आए और कोई नहीं मेरे सखा है, कोई श्रीदाम है, कोई वसुदाम है, कोई मधुमंगल, ये मेरे सखा सब बन करके आए, तुम इनको मारने के लिए तो आए हो, इसी तरह मैं मुंह देखना नहीं चाहता, इसलिए प्रभु ने आंख बंद कर देती है। 14 कारण बताए, अभी भगवान को स्तन में जहर लेकर के आई पुतना प्रभु को मारने के लिए, इसलिए अभी प्रभु स्तन पान करेंगे, वो स्तन नहीं पूरा जहर जहर भरा पड़ा हुआ, भगवान को पेट के अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रभु को उदर के अंदर में, अगर प्रभु विष पान करेंगे तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, इसलिए सारा दुनिया घबरा उठे, घबरा गई, भगवान जहर पान करने जा रहे हैं, हम विश्व ब्रह्मांड तम ध्वंस हो जाएगी, हम प्रभु को पेट के अंदर में, घबरा उठे, जब घबरा उठे इतने में भगवान ने इसलिए आंख बंद किया, आंख बंद कर भगवान श्री भोले बाबा को याद करते, शंकर जी को बोले हे शंकर जी जल्दी जल्दी आओ, क्यों, कहती ये बीज पीने का काम तेरा मेरा थोड़ी है, क्योंकि समुद्र मंथन है, जब जहर उठा किसने पिया, शंकर जी भी है, कहते मैं तो दूध मक्खन खाने के लिए आया हूँ, मैं तो मक्खन चोर हूँ, मक्खन तो दूध दूध मैं पी लूंगा और तू जहर जहर तुम पी ले, इसलिए शंकर जी जल्दी जल्दी आ जाओ, इसलिए भगवान आंख बंद करके उन्होंने श्री भोले बाबा की याद कर रहे थे। और विश्व ब्रह्मांड में भगवान का उदर में जो विश्व ब्रह्मांड सब सांत्वना दे रहे थे, बोले चिंता मत करो मैं जहर पीऊंगा नहीं, तुम सब चिंता मत करो। उसका जो पंचवा जो कारण बताए, भगवान सोच रही है पुतना है कौन, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं, कहते प्रभु को जन्म जन्म जतन करने पर भी तभी प्रभु हृदय में नहीं आते हैं, बड़े बड़े जोगी लोग जिनकी कठोर तपस्या करते हैं लेकिन जिनके हृदय में प्रभु नहीं आते, लेकिन ये पुतना है कौन, साक्षात मुझे गोद में उठा रही है, जरूर इसका कोई पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म होगा, इसलिए भगवान मानो आंख बंद करके उसके पूर्व जन्म को प्रभु स्मरण कर रहे थे। सचमुच से जब उन्होंने आंख बंद किया देखा ये पुतना कोई साधारण नहीं, बोले कौन है, बोले जब मैं बलि महाराज के दरबार में मैं बामन बन करके मैं गया था, मैं रूप को देख करके उनकी ये बेटी थी रत्नवाला, मेरे रूप को देख करके इतने मुग्ध हो गई, वो सोच रही थी अगर मेरा ऐसे के लाला होता तो उसको गोद में लेकर के दिन रात मैंने उसको लाड़ लड़ाते में प्यार करती, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं तेरा बेटा बन करके आ जाऊंगा, क्योंकि भगवान भाव को भूखे हैं प्रभु, तेरा बेटा बन करके आ जाऊंगा, लेकिन जब भगवान दो पग में सब कुछ ले लिया, तीसरे पग रखने के लिए कोई जगह नहीं, भगवान ने कहा बलि तुमने अपना वाक्य को रक्षा नहीं कर पाए, उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया इसको बांध डालो, जब बांध दिया उसी समय उसकी बेटी सोच रही है बोले हे भगवान ये तो पहले बड़ा छोटा सा था लेकिन बड़ा खोटा सा निकला, ये तो मेरे पिताजी का सब कुछ ले लिया मेरे पिताजी का फिर बांध दिया इसने, हाँ उसी समय वो सोच रही है अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना तेरे को दूध क्या पिलाऊंगा तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी, भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैं बेटा भी बन जाऊंगा और जहर भी पी लूंगा। उन्होंने देखा वो जो रत्नमाला है अभी ये पुतना बन करके श्री रत्नमाला आई है, इसलिए गोस्वामियों ने बहुत बहुत कारण बताए। अभी पुतना जब भगवान का मुंह में स्तन देती है, भगवान स्तन पे क्या पान करेगी, भगवान उसको प्राण को शोषण कर रहे हैं। पुतना ने देखा हे भगवान ये तो 6 दिन का बच्चा ये तो मेरे प्राण को हरण कर रहा है। पुतना ने छुड़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की लेकिन भगवान को छुड़ा नहीं सकी, भगवान को बोले 6 दिन का प्रभु यहाँ शिक्षा देते, बोले देखो सहज में मैं किसको पकड़ता है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति बड़ी दुर्लभ है, कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सोभी महामुने, कहते करोड़ कर्ण मुक्त में कोई एक दुर्लभ व्यक्ति होता है जो मेरी भक्ति को करने वाला है, इसलिए भक्तों का नाम लो कितना हाथ में गिनने पर उनका नाम आएगा, इसलिए भगवान कृष्ण कहते गीता में मेरे भक्ति साधारण वस्तु नहीं, मैं जिसको तिसको ग्रहण नहीं करता हूं, लेकिन एक बार अगर मैं किसको पकड़ लेता हूं मेरे को छोड़ना आता ही, इसका मतलब है अगर प्रभु एक बार किसको अगर अपना लेते हैं फिर प्रभु उसको छोड़ते नहीं, हाँ
इसलिए प्रभु राम स्वयं कह रहे ये बात हो, जिस समय विभीषण आया है, रावण ने विभीषण को त्याग दे दिया, बोले मेरे शत्रु का तू बात करते हो, अब विभीषण रावण को छोड़ करके प्रभु राम का शरण में आए। इतने में प्रभु राम सबको प्रश्न कर रहे हैं जितने थे, बोले अभी ये विभीषण को शरण देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल सवेरे रावण के साथ में युद्ध होने वाला है और ये साक्षात रावण का ही शत्रु का भाई है और ये आया शरण में, बताओ देनी चाहिए कि नहीं। सबके सबके सब नकार कर दिया, हाँ सुग्रीव, हाँ और श्री सुग्रीव और वहां पर जितने मंत्री थे सबके सब बोले महाराज ये शत्रु का भाई है, ये राक्षस लोग है, इनको समझना बहुत कठिन है, कल सवेरे युद्ध होने वाला और ये आपका शरण में आया है, इसको एकदम स्थान नहीं देनी चाहिए। सब के सब नकार कर दिया, लेकिन केवल हनुमान जो थे बोले केवल मैं ही वहां पर जो गया, ये विभीषण ने ही मेरे को बताया माता सीता कहाँ है, ये विभीषण ने बताया। हाँ केवल हनुमान उनका पक्ष में और कोई है नहीं, बोले नहीं इसको एकदम शरण में मत दो। उसी समय प्रभु राम सप्त समुद्र को साखी करके प्रभु राम बता रहे, क्या बता रहे, कहते सक्रीति एव प्रपर्णा जस्तबांग स्मितते जाचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम् मम। प्रभु कह रहे ये मेरी व्रत है, अगर कोई सच दिल से मेरे पास में आ जाए सरल बन करके बोले हे प्रभु आपका मैं हूँ, इतना केवल सरल हृदय से मेरे को बोल दे। भगवान कहते अभयम् सर्वदा तस्मै, मैं उनको अभय प्रदान करता हूँ, ये मेरी व्रत है। प्रभु को क्या क्या बिगाड़ सकता, प्रभु का राम का कोई बिगाड़ सकते हैं? कहते एक सेकंड में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को जो सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले उनको कौन क्या बिगाड़ने वाले, प्रभु तो कभी लीला कर रहे हैं। प्रभु तो इच्छा करने पर रावण किया, कितने रावण खत्म हो जाएंगे, कितने विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, प्रभु को कोई बिगाड़ने वाले थोड़ी है। हाँ इसलिए यहाँ पर कृष्ण जब पकड़ लिया है बोले देखो मैं सहज में तो किसको पकड़ता है ही नहीं, लेकिन जिसको एक बार पकड़ लूं फिर मेरे को छोड़ना नहीं आता है। प्रभु बड़े दयालु, प्रभु बड़े कृपालु है, बोले देखो जब तक तेरे को मैं मुक्ति नहीं दिला देता हूँ, मेरे चरण में नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए 10,000 हाथी की शक्ति ये पुतना की थी, इतने बलवान है, लेकिन कृष्ण केवल 6 दिन का लेकिन छुड़ा नहीं सके किसी तरह से। अभी पुतना सोच रही है अभी क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, पुतना धीरे धीरे अपना स्वरूप को प्रकट की, बोले अगर किसी तरह से इसको उड़ा करके मथुरा में ले जाओ भैया कंस कुछ करेगा। पुतना अपना स्वरूप को विस्तार किया, विशाल उसका रूप है। सुखदेव गोस्वामी कहते त्रिगव्युति, त्रिगव्युति मतलब कहते एक गव्युत होता है 4 मील, 3 मतलब 12 मील थी, इतने बड़ी थी पुतना। उन्होंने कृष्ण को पकड़े और आकाश में लेकर जब उड़ने लग गई, भगवान ने कहा तुमको मथुरा तक मैं जाने नहीं दूंगा, यही तुम्हारा कल्याण करने वाला। एक सुंदर एक बगीचा थी, ये कंस का था, बड़ा सुंदर, जिसमें सुंदर सुंदर फल फूल होता था, लेकिन कंस का निर्देश था बोले ये बगीचा का कोई भी मीठा फल और फूल कोई ब्रजवासी कोई कृष्ण को नहीं मिलनी चाहिए, ये केवल मेरे पास में ले आना, मैं खाऊंगा और जितने मेरे अनुयायी हैं जितने सब राक्षस सब मिलेगा। भगवान ने कहा कंस ये दुनिया को किसने सृष्टि किया है, मैंने सृष्टि किया। बोले क्यों सृष्टि किया, बोले इसलिए मेरे लिए और मेरे भक्त के लिए, दुनिया क्यों सृष्टि किया मेरे और मेरे भक्त के लिए, और तेरा निर्देश है ये फल का कोई सुंदर फल कोई ब्रजवासी कोई कृष्ण भक्त को नहीं मिलनी चाहिए और सब दुष्टों को मिलनी चाहिए, दुनिया बनाया मैंने सब कुछ मेरा और मेरे को नहीं मेरे भक्तों को नहीं और दुष्टों को मिलेगा, अभी तेरे को दिखाता हूँ। उनने सीधा भूतना को उड़ा करके जोग माया वही ले गई और थी पार मील उसका शरीर था, उसको ले करके वो बगीचा में धड़ांग करके उन्होंने गिराया, गिराया तो जितने पेड़ पौधा लता पता सबके सत्यानाश कर दी। भगवान सिखा देते हैं क्या, देखो अगर मेरे और मेरे भक्तों को दोगे ना फिर तो फलते फूलते रहोगे, अगर मेरे मेरे भक्तों का सेवा नहीं करोगे एक दिन ऐसे लात मारूंगा फिर तेरे सब सत्यानाश कर दूंगा, क्योंकि दुनिया मेरा ही बनाया हुआ है। हाँ इसलिए नियम है जो कुछ खाओ, ये उपनिषद का श्लोक है, उपनिषद ने बताया कहते ईशावास्यमिदं सर्वं जत किंचा जगत है जगत, ये दुनिया प्रभु का ही जगत है, प्रभु ने बनाया। बोले क्या करनी चाहिए, बोले तेना
तेतर भंजिता उनको भोग लगाओ। हाँ ठाकुर जी को तुलसी पता से ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद रूप में ग्रहण करो। भगवान खाने से कम नहीं हो जाएगा, भगवान खाने से बढ़ जाता है। हम बोलते हैं ना प्रसाद है कि कभी कम नहीं होता, प्रसाद बढ़ता है, भगवान को देख रहे खाने। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कहते भुंजन ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारण। कहते हे अर्जुन जो मेरे को बिना दिए खाते हैं और बनाया और खुद खा लिया। कृष्ण गीता में कहते भुंजन ते तु अघम, कहते केवल पाप भोजन करते हो, लेकिन जो मुझे देकर खाते हैं वो अमृत होता है, क्योंकि मेरा प्रसाद बन जाता है। ये गीता का श्लोक है। कहते मनु संहिता का श्लोक है, मनु महाराज कहते हैं बोले जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगता है, कहते स्वान विष्टा, कहते दाल चावल सब्जी नहीं, स्वान मतलब कुत्ता है, कहते कुत्ते का विष्टा के बराबर है। और जो पानी है कहते पेशाब नहीं तो ये मदिरा का बराबर है, क्योंकि ये भगवान को जो भोग नहीं लगता है। इसलिए नियम है जो कुछ खाए भगवान को दे कर खाए। आप लोग ने सुदामा का चरित्र सुने हो भागवत में? देखो एक दिन सुदामा कृष्ण जा रहे थे जंगल में लकड़ी बिनने, उनको गुरु माता ने कुछ चाणा दिया, सुदामा का हाथ में दिया, बोले बेटा दोनों बांट कर खा लेना। लेकिन सुदामा ने क्या किया, वो भगवान को दिए बगैर अकला अकला खा लिया, इसलिए उसको गरीब भोगना पड़ा। सुदामा गरीब क्यों हुआ? क्योंकि भगवान को दिए बगैर उसने भजन किया है, इसलिए गरीब उठाना पड़ा। फिर धनी कब हो गया? जब वो प्रभु के पास में गया, बोले देखो दोस्तों पास में सुशीला को बोला भगवान के पास में खाली हाथ से नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जानी चाहिए। तब तो सुशीला ने कुछ घरों से कुछ चिड़वा लेकर के आए और उनने प्रभु के पास में चिड़वा लेकर गए। भगवान ने कहा मेरे लिए कुछ लाया नहीं, भाभी कुछ दिया नहीं, वो तो सोने के महल दे करके चकाचौंध हो गया। बोली ये चीज कैसे प्रभु को दूं, पेट का खराब, प्रभु का पेट खराब हो जाएगा। लेकिन प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो भक्त का वस्तु बड़े आदर से लेते हैं। बोले सुदामा ये बगल में क्या दबा कर रखे? बोले कुछ नहीं, बोले कुछ तो ये लग रहा है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, जोर से खींच लिया, खींच करके जब खोल करके प्रभु ने एक मुष्टि खाए, प्रभु ने दो मुष्टि खाए। जब तीसरे मुष्टि खाने जा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़ती, बोले प्रभु नहीं और नहीं, आप दो मुट्ठी खा लिया, उसको घर में सारे ऐश्वर्य उसको घर में पहुंच गया, अगर आप तीसरे मुट्ठी खाओगे मैं लक्ष्मी हूँ, उसको घर मेरे को दासी बनना नहीं पड़ेगा। सचमुच से सुदामा आकर क्या देखता है, उसका कुटिया नहीं, वहां पर घर नहीं, राजमहल खड़ा हुआ। केवल उसका राजमहल नहीं, आप देखे होंगे पूरा वृंदापुरी राजमहल हो गया। हाँ उसका पत्नी पत्नी नहीं थी, वो तो राजकुमारी पहचान नहीं पा रहा था, उसको पत्नी आरती उतारने के लिए आए तो पीछे हट रहा था। बोले ये राजकुमारी मेरे को आरती क्यों उतार रही है? बोले तू कौन है? बोले क्या मेरे को भूल गए हो, मैं वही सुशीला। बोले सुशीला ऐसे हो गई? कहते प्रभु ने रात रात से बना दिया। देखो भगवान को देख रे खाने का क्या महत्व है। इसलिए प्रभु को नहीं देख रे खाएंगे तो हमको गरीब बनना पड़ेगा, अगर प्रभु को देख रे खाएंगे तो फिर हम फलते फूलते रहेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए भगवान उसको वहां पर गिराया, फिर देखे इतना कृष्ण कहां देखा, कृष्ण को कुछ हुआ नहीं, छाती के ऊपर प्रभु खेल रहे हैं। फिर वहां से उतार करके लाए, फिर मैया जसोदा ब्राह्मण को बुला करके काली गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए मंत्र पढ़ करके, और पुतना बोले इतना बड़ा शरीर को क्या करे, उसको बोले जला दो, लकड़ी तो पहले गिर पड़ा, पेड़ पौधा तो टूट गया, उसमें ही आग लगा दे। जब उसका शरीर को जलाए, शरीर से कर्पूर अंगूर की खुशबू निकल रहा था, प्रभु ने स्तनपान किया ना, प्रभु का मुंह स्पर्श हो गया, बड़ी सुंदर उसमें खुशबू निकल रहा था। और यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक बता रहे हैं, बोले देखो कहते हैं अगर भक्ति करना है ना, बोले भगवान कृष्ण को भी भक्ति करो और किसको भक्ति मत करो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले क्यों, कारण क्या, देखो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया भी असाध्य। पहले उसका दुर्गुण को गुण आ रहे, उसका कितने दुर्गुण है,
लेकिन प्रभु कृष्ण कितने दयालु बोल रहे हैं, भले ही आपका अंदर में दुर्गुण दुर्गुण क्यों नहीं हो, लेकिन प्रभु दुर्गुण में भी एक अच्छे गुण ढूंढ लेते हैं। प्रभु इतने दयालु हैं, बोले कितना दुर्गुण है, बोले पहला नंबर बोले पुतना है। पुतना मतलब जो अपवित्र है, पुतना पुत पवित्र नहीं नहीं। दूसरा नंबर क्या, बोले ये कौन थी, बोले राक्षस थी। बोले प्रभु के लिए क्या लेकर के आई थी, उपहार रूप में, बोले उपहार रूप में प्रभु के लिए लाई थी, जहर लेकर के आई थी। हाँ, उसका अंदर में कार्य दुर्गुण दुर्गुण ही था उसका अंदर में, लेकिन प्रभु उसको ऊपर में कैसे रीझ गए, उसको उन्होंने क्या देख करके प्रभु उसको गोलोक वृंदावन भेज दिया। क्या देखा, बोले ऊपर से उसने जो एक माँ का रूप धारण करके आई थी, उसने जो केवल नाटक थोड़ा रचाए, बोले मैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के उसको लाड़ लड़ानी चाहिए। उनको प्रति जो कृष्णा जो थोड़ा नाटक रचा करके ऊपर से थोड़ी नाटक उसने जो रचाई केवल ऊपर से, प्रभु केवल इतने से ही रीझ गए, बोले कम से कम मेरे को तो तुमने गोद में उठाया, कम से कम थोड़ी समय के लिए ये बोली तो तुमने बोली, मैया इतने सुंदर लाला को तो गोद में लेकर के ला। प्रभु केवल इतने से ही रीझ गए, रीझ करके प्रभु उसको गोलोक वृंदावन दे दिया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो पुतना थी, पुतना मतलब जो अपवित्र, अगर कोई प्रभु के पास में कोई पवित्र कोई अच्छे थोड़ा साड़ी पहन करके प्रभु के पास में चले जाए, हाँ, तो फिर प्रभु उसको क्या नहीं देंगे। गई थी कौन, बोले राक्षसी। अगर कोई इंसान जाए, नहीं तो कोई प्रभु का कोई प्यारे भक्त प्रभु के पास में जाए, पर प्रभु उसको क्या नहीं देंगे। तो लेकर के उपहार क्या लेकर गई, तो बोले जहर। अगर कोई प्रभु के पास में खाली हाथ में जाए, थोड़ी सी भावना लेकर के, फिर प्रभु उसको क्या नहीं देंगे, नहीं तो कोई एक फूल फूल ले लिया ठाकुर जी के लिए, नहीं तो कोई फल लेकर गए, नहीं तो ठाकुर का कोई प्रिय वस्तु लेकर चला गया। फिर प्रभु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फिर प्रभु उसको क्या नहीं देंगे, लगता है प्रभु तो उसको सब कुछ लुटा देंगे। प्रभु प्रभु इतने दयालु, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इसलिए भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए, बोले भगवान कन्हैया को भक्ति करनी चाहिए। बोले क्यों, कारण किया, बोलो हमारे पिता माता है, क्योंकि तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह बंधुश्च सखा तुम्हें वो हमारा सब कुछ है। हाँ, कहते उनको पास में जाने पर वो हमारा पिता माता है। जैसे पिता माता बच्चे का गलती नहीं देखते, अगर बच्चे भले ही जो कुछ हो जाए, लेकिन पिता माता के लिए बेटा तो बेटा ही है ना। हाँ, उसका हृदय में स्वाभाविक स्नेह बच्चों के प्रति, इसलिए प्रभु हमारे कृष्ण हैं। अगर हमारा कभी गलती से कुछ कर देंगे तो ठाकुर वो गलती नहीं देखते, हमारे अंदर में जो गुण है प्रभु गुण को देख करके हमें अपना चरण की प्रेम देते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गिरिराज के पूजन करेंगे। हाँ, यहाँ सामने श्री गिरिराज है, इसलिए भागवत में गिरिराज पूजा की विशेष महत्व है। हाँ, कहती है गिरिराज पूजा स्वयं कृष्ण ही ये प्रारंभ किया और अपना हाथों से सर्वप्रथम भगवान श्री गिरिराज की पूजा की है। इसलिए गिरिराज को भागवत में बताया इनका जो नाम है, कहते सर्व अभिष्ट प्रदाता। हाँ, इसका मतलब है जो सारे इच्छाओं को पूरी करके भक्तों का इच्छा को जो पूरी करते हैं प्रभु। इसलिए आप कभी जाओ, जो भक्त लोग जब गए, लाख लाख लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज की, कोई दूध की धारा, कोई दंडवती प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सर्वप्रथम ये परिक्रमा भगवान ने प्रारंभ किया ब्रजवासियों को लेकर के। और गिरिराज ने जिसकी मन में जो कुछ इच्छा थी, भगवान सभी की इच्छा प्रभु पूरी करते हैं। इसलिए गिरिराज पूजा की विशेष महत्व है। कहते श्री जो गिरिराज गोवर्धन, हम कुछ दिन पहले हम दूसरे प्रभु जी सुबल से था, प्रभु जी का हम घर में हमने गिरिराज की हमने पूजा करवाया है, वहां पर हमने बहुत कुछ कथा सुनाया गिरिराज की महिमा, यहाँ भी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। कहते श्री गिरिराज प्रकट हुए कहाँ से, वो आए कहाँ। कहते गिरिराज, कहते संसार का कोई वस्तु नहीं, इसलिए एक समय गोलोक वृंदावन में श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी को बोले, बोले हे राधे, मैं ये गोलोक वृंदावन से ये मर्त्य जगत में जाना चाहता हूँ, मेरे साथ तुम चलोगी। राधा रानी बोलते मैं ये नहीं जाती हूँ। बोले क्यों नहीं जाओगी, बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर नंदगा बरसना नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, हाँ, बोले मैं वहां जाकर क्या करूंगी, मैं ये वृंदावन धाम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तब भगवान बांके बिहारी कहते हैं राधे,
जब ये गोलोक वृंदावन से मैं उतरूंगा, मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, पूरा ये धाम को पूरा लेकर के मैं प्रकट होऊंगा। इसलिए भगवान जब गोलोक वृंदावन से इसी मर्त्य जगत में प्रभु आते हैं, वो अकेले नहीं आते, संपूर्ण धाम को लेकर के प्रभु इसी जगत में आए। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन को भी प्रभु गोलोक वृंदावन से ही इसी मर्त्य जगत में प्रभु प्रकट करते हैं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे। कहते ये गिरिराज गोवर्धन कैसे वृंदावन में आए, कहते दो पुराण में इनकी दो कथा आती है। कहते एक कथा आती है, जब प्रभु राम पुल बांध रहे थे माता सीता को उद्धार करने के लिए, जब प्रभु ने समुद्र को बोले रास्ता दो, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, प्रभु का क्रोध आया, धनुष उठाए, बोले एक बाण से तुमको पूरा शोषण कर लूंगा, ढीठ तीन दिन से मैं बैठा हुआ हूं, तुम मेरे को बात नहीं कर रहे हो। उसी समय समुद्र स्वयं प्रकट होते हैं, प्रकट होकर कहते हैं प्रभु मेरे अपराध का क्षमा कर दो, इसलिए नियम आपने ही बनाया है। कहते प्रभु एक काम करो, बोले क्या, बोले आपके पास में तो बंदर है, एक नल और एक नील है, इनको ऋषियों का वरदान है, ये जब बचपन में बड़े नटखट थे, हाँ ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे उनकी जो पूजा की जो सामग्रियों को कभी लेकर समुद्र में फेंक देते थे। एक दिन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया, बोले बड़े नटखट ही बालक है, बोला इनको अभिशाप दे दो। लेकिन ऋषि मुनि तो बड़े त्रिकाल दृष्टा थे, बोले नहीं ये तो राम का भक्त है, ऐसा ये प्रभु राम की सेवा करने वाले, इनको अभिशाप कैसे दो। बोले एक साथ में दो काम हो जाएगा, बोले देखो तुम लोग जिस चीज को पकड़ करके समुद्र में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। उनको पता है एक दिन ये पुल बनेगा, ये दोनों मदद करेंगे। इसलिए जो उठा करके वो फेंकते थे समुद्र में और डूबता नहीं, वो तैरता था। समुद्र ने कहा आपके पास में ये दो बंदर है, इनका वरदान अभी ऋषि मुनियों का, जो चीज को स्पर्श करेंगे वो तैरेगा, और आप ये पुल समुद्र के ऊपर में आप पुल बांधो। तब अभी रामचंद्र पुल बांध रहे थे, सारे बंदर को आदेश दे रहे थे, बड़े से बड़े पत्थर मिले जल्दी जल्दी लाओ, और हनुमान सिंह प्रभु राम का नाम लिख करके जब छोड़ते थे वो पत्थर सबके सब तैरता था। इतने में हनुमान ने सोचा जल्दी से जल्दी ये पुल बन जानी चाहिए, तो बड़े से बड़ा पत्थर मिले कहाँ। हनुमान ढूंढते ढूंढते सालमल द्वीप में जो पहुंचा, देखा ये गिरिराज, विशाल पर्वत गिरिराज, बड़े लंबे चौड़े, अगर इसको ले जाओ फिर जल्दी जल्दी पुल बन जाएगा। हनुमान ने क्या किया, उठाया जय श्री राम बोल करके उन्होंने पूरा गिरिराज को उठा लिया। उठा करके आकाश में उड़ते हुए हनुमान जा रहा था, अभी जहां पर श्री गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, इतने में पुल बांधना समाप्त हो गया। प्रभु राम ने आदेश दिया और पत्थर लाने का जरूरत नहीं, जहां जहां पत्थर ला रहे वहीं पर रख दो। अभी हनुमान तो ले आए बीच तक और उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को वहीं रख लिया। जब रख लिया गोवर्धन तो साधारण था नहीं, बोले हे हनुमान मेरे को इतने दूर से कहां उठा करके लाए, अगर और थोड़ी दूर ले जाते तो कम से कम प्रभु राम का चरण स्पर्श मिलता, माता सीता उद्धार होती, मेरे ऊपर में कृपा मिलता, और मेरे को यहीं पर छोड़ रहे हो। तो हनुमान साधारण नहीं, हनुमान जी ने कहा गिरिराज कोई चिंता मत करो, जब यही राम जब द्वापर युग में कन्हैया श्याम बन करके आएंगे, कहते उसी समय इसी अवतार में तुमको जितना सेवा का सौभाग्य मिलता उसी समय तुमको ज्यादा सौभाग्य मिलेगा। कृष्ण तुमको 7 दिन तक कनिष्ठ अंगुल पर धारण करेंगे, सारे ब्रजवासी तुम्हारा नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, गैया को घास फल बूल भगवान सब तुम गिरिराज ऊपर में गैया चढ़ाएंगे, रास रचाएंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। कहते ये एक गिरिराज की ये कथा है एक पुराण में। दूसरे पुराण में कथा आती है, कहते श्री गिरिराज गोवर्धन जब श्री गोलोक वृंदावन से आए, कहते उन्होंने माँ धरा, धरा मतलब पृथ्वी, और द्रोण द्रोणाचल पर्वत है, कहते इनका बेटे बनकर के ये पर्वत रूप में प्रकट होते हैं। बल एक समय श्री पुलस्त ऋषि घूमते घामते कभी वहां पर पहुंचे और वो रहते थे, पुलस्त ऋषि पहले काशी में रहते थे, उन्होंने देखा बड़ा सुंदर पर्वत, बोले काशी मरुभूमि स्थान है, वहां पर साधु संत को रहने का कोई अच्छा स्थान नहीं, अगर गिरिराज इस तरह से ले जाते, इसमें झरना है, कुंज है, फल फूल से भरा पड़ा हुआ, बड़ा सुंदर था, गुफा भी है,
बोले इसको हम ले जाए। तो उन्होंने पिता माता को प्रश्न किया, बोले आपका बेटा को हम चाहते हैं, अगर आपका घर में कोई आए बोले आपको बेटा दे दो, आप दे दोगे? बोले बड़े विपद में पड़ गए, बोले अगर इनको नहीं देगी अभिशाप दे देंगे बाबा। उन्होंने बात को घुमाते हुए बोले, बोले देखो बेटा जाए कि नहीं इसको आप ही पूछ लो। गिरिराज को बोले, बोले गिरिराज मेरे साथ में काशी चलो। उन्होंने देखा अगर मैं मना करता मेरे को भी अभिशाप देंगे। फिर उन्होंने बात को घुमाया, बोले मैं जा सकता हूँ, मेरे पास में 3 शर्त है, ये शर्त को अगर रख करके ले जाओ तो फिर जाऊंगा। बोले बताओ। बोले पहला शर्त मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को हाथ में उठा करके ले जाना पड़ेगा। दूसरा शर्त है बीच में कहीं मेरे को उतार नहीं सकते हो। तीसरा शर्त है अगर कहीं आप अपवित्र हो गए मेरे को आप छू नहीं सकते, राजी हो? बोले कोई चिंता नहीं। वो तो बड़े प्रताप ऋषि थे, उन्होंने तो सचमुच उन्होंने एक हाथ से पूरा पूरा उन्होंने गिरिराज को उठा लिया। उठा करके जब ले जा रहे थे, अभी जहां ब्रजमंडल है, जब ब्रज में आए वो तो गोलोक वृंदावन से आए प्रभु की सेवा करने के लिए। हाँ, कहते श्री राधा रानी ये गर्ग संहिता में आती हैं, ये राधा रानी स्वयं अपना हृदय से कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने सबसे सुंदर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को कहते प्रकृत है मनसा जात। राधा रानी का हृदय से गिरिराज प्रकट हुए, वो तो कृष्ण सेवा के लिए प्रकट हुए, ले जा रहे काशी। इतने में जब वृंदावन में आए गिरिराज गोवर्धन श्री भगवान से प्रार्थना किया, बोले प्रभु आपकी सेवा के लिए तो मैं आया हूँ, ये मेरे को काशी फांसी देने ले जा रहा है, क्योंकि जो काशी है वो ब्रह्मवादियों का स्थान है, जो भगवान को निराकार निर्विशेष मानने वाले हैं, भगवान को ब्रह्म रूप में मानने वाले। एक तरह का जो मुक्ति है वो सुइसाइड एक तरह का है, क्योंकि आत्मा की जो सत्ता है वो संपूर्ण नष्ट हो जाता है। इसलिए बोले काशी मेरे को फांसी देने ले जा रहा है, ये ब्रज तो प्रभु का रस भूमि है, ये तो प्रेम भूमि, ये तो भक्ति भूमि है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, बोले हे प्रभु मेरे को अपना चरण में स्थान दो, आपकी सेवा में लगाओ। भगवान जोग माया को बुला करके ऐसे माया पिराया, ऋषि को इतने जोर से लघु संख्या लगने लगा जैसे कपड़े में लघु संख्या हो जाएगा, वो सब भूल गए सारे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, गिरिराज गोवर्धन को नीचे रख दिया और लघु संख्या करने बैठे तो लघु संख्या खत्म ही नहीं हो घंटे तक। उसको बाद में उन्होंने आगरे के हाथ पैर धो करके जब गिरिराज को उठाने के लिए गए, गिरिराज टस मस नहीं हो रहे, बोले उठो। बोले हम नहीं उठने वाले, आपने जो प्रतिज्ञा किया था सब खत्म हो गया, बीच में उतार दिया, अभी तक अपवित्र 1 घंटा तक लघु संख्या में बैठे और हम जाने वाले नहीं है। फिर उन्होंने अभिशाप दिया, बोले तेरे को हम अभिशाप देता हूँ तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और पल पल में तू क्षीण होते जाओगे। गिरिराज ने कहा हे ऋषिवर मैं तो इसलिए यहाँ रहना चाहता हूँ, प्रभु की सेवा के लिए रहना चाहता हूँ, अगर मैं क्षय हो गया टुकड़ा टुकड़ा हो गया प्रभु की सेवा में नहीं लग पाया रहने का कोई मतलब नहीं होता है, मेरे को इतना आशीर्वाद दीजिए जब तक प्रभु नहीं आते तब तक पूरा रहो, उसको बाद में आपका अभिशाप लागू। तो भगवान तथास्तु बोल दिए। इसलिए अभी कहते गिरिराज की दूसरे पुराने में ये कथा थी, इसलिए कहते श्री गिरिराज गोवर्धन ये और कोई नहीं इस अख्यात भगवान की विष्णु स्वरूप है। मैं वहां पर कथा सुना रहा था कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कठोर तपस्या करते हैं भगवान, भगवान जब कृपा किए बोले क्या चाहते हो, बोले आपकी चरण की सेवा हम चाहते हैं, बोले किस रूप में, बोले ब्रज में हम पत्थर बन करके पहाड़ बन करके आपकी सेवा करना चाहते हैं। इसलिए जो नंदगांव जो लोग गए हैं वो नंदगांव जो नंदीश्वर पर्वत है वो पर्वत नहीं वो शंकर का स्वरूप है, जो बरसाना है कहते ब्रह्माचल पर्वत है स्वयं ब्रह्मा वो पर्वत रूप धारण किया। बोले जो गिरिराज गोवर्धन है ये और कोई नहीं ये भगवान विष्णु ही ये गिरिराज रूप धारण करते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए गिरिराज का एक स्वरूप क्या हो गया भगवान विष्णु है, कहते का दूसरा स्वरूप क्या है, बोले कृष्ण स्वयं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं पूजा कराए और दूसरे रूप में गिरिराज का रूप धारण करते हैं, इसलिए गिरिराज को कृष्ण का अपना स्वरूप माना गया है। हाँ, इसलिए इनका जो तीसरा स्वरूप है श्री राधा रानी स्वयं कहती हैं हंत्राय अद्रियवला हरिदास वर्ज्य, ये हरिदास में भगवान का सबसे बड़ा सेवक है, क्योंकि इनका नाम गोवर्धन, गो मतलब इंद्रियां, वर्धन मतलब बढ़ाना। हाँ,
इंद्रियों को जो बढ़ाए, मतलब सारे ब्रजवासियों का जिसने सेवा की है, सखा सखी गोप कृष्णा, कृष्ण गया वही चराए, रास वही रचाए, गया को वही चराए, फल फूल वही खाए, तालाब में विहार जल विहार वही पर किया, कुंज कुंज में गिरिराज में लीला की, इसलिए गिरिराज हर तरह से प्रभु की सेवा की, इसलिए भगवान की बड़े सबसे बड़े सेवक श्री गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए मैं वहां बता रहा था ये गिरिराज की जो परिक्रमा करते हैं, जो परिक्रमा करेगा प्रभु उसको पीछे 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 प्रभु चलते हैं, ये मेरे पास में क्या मांगेगा, इतना कष्ट कर रहा है, और उनको परिक्रमा करते हुए आप जो कुछ मांगोगे गिरिराज आपकी इच्छा की सब पूरी कर देते हैं। हाँ, कहते जिनका बेटी की शादी नहीं होती है गिरिराज में जाओ, वहां टहनिया में टहनिया डाली में डाली बांधो, बढ़िया घर में शादी हो जाएगी। जिसको जितने तरह मंजिल मकान चाहिए, जितने गिरिराज गोबर जितने शिला गोबर जितने शिला रख दो उतना मंजिल गिरिराज मकान दे देते हैं। बड़ी गिरिराज की साक्षात प्रकट देवता गिरिराज गोवर्धन भगवान। इसलिए अभी कृष्ण अभी चाहते हैं ये गिरिराज भगवत स्वरूप इनका पूजा को जगत में स्थापन करने के लिए प्रभु की ये इच्छा है भगवान की। इसलिए भगवान चाहते हैं ये इंद्र पूजा बंद कराए, करा के क्या करे श्री गिरिराज की पूजा को प्रवर्तन करे। एक दिन कृष्ण देखा मैया यशोदा रात भर लड्डू कचड़ी मालपुआ बना रही थी। कृष्ण ने कहा माँ इतने क्यों चीज बना रहे हो, कल क्या मेरा जन्मतिथि होगा? बोले तेरा नहीं। बोले फिर ताऊ भैया का? बोले नहीं। पर फिर तू इतना रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ और इतने बढ़िया बढ़िया चीज बना रही हो? बोले पिताजी के पास में जा, बाबा को जाकर पूछ ले। अभी कृष्ण बाबा के पास में आए, बाबा जी गोद में बैठ के दाढ़ी पकड़ लिए नंद बाबा के। बोले बाबा मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही, क्या कल मेरा जन्मतिथि नहीं? बोले तेरा जन्मतिथि। बोले फिर इसलिए इतना सरंजाम है? बोले बेटा हम गोपाल है, गैया चराने वाले, गैया ही हमारा मूल संपत्ति है, स्वर्ग का देवता इंद्र है, कभी ये इंद्र का अधीन में ये सारे जो मेघ है ये इंद्र का अधीन में रहते हैं, इंद्र आदेश देने पर उपयुक्त समय होने पर बारी बरसता है, उससे घास उगता, गैया घास खाते, दूध देते हैं, दही मक और जो मखर और जो कुछ राबड़ी फाबड़ी बनता कहाँ से, तो दूध से बनता और उसको खा करके अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करेंगे। लेकिन कृष्ण चाहते गिरिराज गोवर्धन पूजा करें, क्योंकि ये गिरिराज गोवर्धन इंद्र का भी इंद्र है। हाँ, मूल ये गिरिराज भगवान स्वरूप है। इसलिए कृष्ण ने कहा पिताजी ये बताओ जहाँ इंद्र पूजा नहीं होता क्या वहां पर बारिश नहीं होती है वहां पर? वो तो चुप हो गए। बोले कैसे प्रश्न कर रहा है? बोले हाँ बारिश होता होगा। बोले फिर? बोले पिताजी जीव अपना कर्म फल भोग करते हैं और जो बारिश अब बोले इंद्र कर रहे। बोले नहीं, इंद्र की इच्छा से नहीं, हमारे भाग्य में जो जहाँ रहेंगे वही मिलेगा। और गिरिराज बड़ी ऊंचाई थे, बोले मेघ आकर टकराता है गिरिराज गोवर्धन में तभी यहाँ बारिश होता है, और ये इंद्र का कृपा से नहीं, ये गिरिराज की कृपा से। ये गिरिराज को अपहार मत समझो, ये गिरिराज साक्षात भगवान का स्वरूप है, इनकी आशीर्वाद से हम ब्रजवास कर रहे हैं। हमको फल फूल कहाँ मिलता? हम सब गिरिराज से मिलता। गैया घास खाते कहाँ? गिरिराज से। पानी कहाँ से? बोले गिरिराज का झरना से। स्नान कहाँ करते? बोले गिरिराज के तालाब से। बोले सब तो हम गिरिराज हमें ही दे रहे हैं और अब इंद्र की पूजा कर रहे हो। बोले बाबा इंद्र पूजा मत करो, आप ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, आपका मन में जो भी इच्छा आप गिरिराज से प्रार्थना करना, ये स्वयं प्रकट होकर दर्शन देंगे, आपकी सारी इच्छा को अभिलाष पूर्ण करेंगे। नंद बाबा ने कहा लाला हम इन्हीं आंखों से देखेंगे। बोले बाबा अभी तक इंद्र पूजा कर रहे थे, भोग लगाया, कभी देखा खाते हुए? बोले नहीं। बोले जब आप ये गिरिराज को पूजा करोगे स्वयं प्रकट होंगे, आप जो मांगोगे सो देंगे। बोले बाबा इन्हीं आंखों से हम देखेंगे ठाकुर जी को, भगवान को? बोले हाँ बाबा। बोले खाएंगे हमारा सामने? बोले हाँ। बोले तो अच्छे देवता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं इंद्र खाते हुए, फिर तो हम सबके सब श्री गिरिराज की पूजा करेंगे। पूरा 84 क्रोश में ढिंडरा पिटवा दिया, हम इंद्र पूजा नहीं, कल हम श्री गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। पूरा ब्रज में हला हो गया और जो जो, जो प्रसाद बना रहे थे ना सबके सब ज्यादा ज्यादा बनाने लगे। बोले अपना आंखों से देखेंगे गिरिराज सारी इच्छा पूरी करेंगे सबके सब, कितने तरह का चावल, कितने तरह का दाल, कितने तरह का कढ़ी,
और कितने तरह का मालपुआ, कितने तरह का पराठा, गोभी का पराठा, मूली के पराठा, बथुआ के पराठा, कितने तरह का पराठा बनाए, कितने तरह का चाटनी, कितने तरह का रसा, पृथ्वी में जो कुछ लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई सब बनाए, इसलिए उसका नाम हो गया अन्नकूट है। अन्न मतलब अन्नकूट मतलब होता है पर्वत है, पर्वत आकार में 365 गांव से लाए, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया। कभी आप जो लोग कार्तिक महीना में आते हो देखे होंगे क्या ठाड़बाड़ से, ऐसे कोई हमारे भारत में जितने बड़े से बड़े धनी लोग हैं आप देखिएगा क्या पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब कुछ मिलता है, उनकी आशीर्वाद से। एक बार कोई पूजा करे तो सारा जीवन के लिए उनकी दरिद्रता खत्म हो जाती है, इतने महिमा श्री गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए आप देखेंगे तो दंग रह जाओ, क्या बनाते हैं, क्या भोग लगता है गिरिराज गोवर्धन की, क्या लड्डू कचौड़ी आप मील मील दूर तक, क्या फूलों के श्रृंगार होता है, लाख लाख रुपया खर्चा करके गिरिराज की वहां अभिषेक, वहां पर इतने दूध की अभिषेक होता है, आप देखिएगा झरना जैसे दूध बह रही है, इतने गिरिराज की हाँ दूध जो बहती है। इसलिए कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित होकर के अपना हाथों से उन्होंने पंचामृत को देख रहे, उन्होंने गिरिराज की पुरुष सूक्त मंत्र पढ़ करके प्रभु ने स्वयं उन्हें पूजा की, गिरिराज की अपना हाथों से प्रभु श्रृंगार करते हैं, और जितना जो कुछ लाए थे सबके सब गिरिराज की तुलसी पत्ता दिया, तुलसी पत्ता दे करके भगवान के जो भोग लगाया सचमुच से देखा श्री गिरिराज जी प्रकट हुई, विशाल स्वरूप लेकर की मानव शरीर आकाश को स्पर्श कर रहा है, और जितने भोग लगाया था प्रभु तो हाथ पसार पसार कर ग्रहण कर रहे थे, सबके सब प्रभु ग्रहण कर रहे थे, प्रभु तो मिनट में सबके सब खा कर खत्म कर दिया, और बोले आनवरे मतलब और लाओ और लाओ। इसलिए जो लोग गए हो आपको बता, जब परिक्रमा जहां से शुरू करते हैं वो गांव जो पहला जो गांव उसका नाम आनवर ग्राम है, क्योंकि प्रभु ने बोला था और लाओ और लाओ, इसलिए उसका नाम गांव पड़ गया आनवर गांव पड़ गया। ब्रजवासियों ने कहा प्रभु ये गरीब ब्रजवासी है, आप इतने में ही संतुष्ट रहो। फिर पानी पिलाए, फिर तांबूल दिया, भगवान खुश हो गए, बोले ब्रजवासी मांगो मेरे से क्या चाहते हो, बर मांगो, जिसको मन में जो कुछ इच्छा था प्रभु से मांगे, जो बोले जाओ फलते फूलते रहो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाए, प्रभु सबका आशीर्वाद दिया। लेकिन उस ब्रजवासी है विशेष करके उन लोगों ने मांगे, बोले हमारा कृष्ण गोबर में बारम्बार ये दैत्य लोग का आक्रमण करते हैं, यही आशीर्वाद करो हमारे लाला गोबर में कोई दुख नहीं आए, मेरा लाला सुखी रहे, भगवान स्वयं स्वयं का आशीर्वाद दिया है। हाँ आशीर्वाद दे करके भगवान ने कहा देखो मैं चाहता हूँ तुम लोग तो जो मांगे मांगे हो, मैं चाहता हूँ अपना तरफ से भी कुछ देना चाहता हूँ। बोले बताओ, बोले आज का दिन मेरे सेवा में जो एक खिड़ी का चावल मेरे भोग में लगा दिया मैं उनका आशीर्वाद देता हूँ, किसी जीवन में उनके घर में अन्न और वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, ये भगवान के मुंह से ये निकली हुई वाणी है, तभी गिरिराज की इतनी महिमा है। इसलिए भगवान स्वयं वरदान दिया, अभी भगवान ने कहा अभी सबके सब प्रसाद पाओ, लेकिन भगवान ने सबके सब खा लिया है, जो कुछ भोग लगे खा लिया ना? लेकिन अभी कृष्ण का सखा लोग थे, बोले कन्हैया तेरा ठाकुर बड़े भूखे लगते हैं, बोले क्यों, बोले सबके सब खा लिया, एक किंडा भी छोड़ा है नहीं, यही से देवता को हम पूजा नहीं करेंगे, इंद्र को जो पूजा करते थे सूखा प्रसाद रहता था महीना भर तक खाते थे, ये एक किंडा भी छोड़े नहीं, बड़ा भूखा लगता है तेरे ठाकुर जी। बोले ऐसे मत कहा करो, अभी सबके सब डबल हो जाएगा, आंख बंद करो, आंख बंद किया तो भगवान हाथ फैला लिया, क्योंकि भगवान क्या है, बोले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान खाने से कम नहीं होता बढ़ जाता है। हाँ इसलिए भगवान फिर हाथ मेरा दिया तो जो जितने लड्डू कचौड़ी लाए थे सब डबल डबल हो गया, सब हाँ भगवान खाने से डबल बढ़ता है। सखा लोग तो तरस उठे, ब्रजवासी बोले हम बहुत गलती कर लिया, बोले क्या, बोले हमको पता नहीं था ये डबल हो जाएगा, नहीं तो हम और थोड़ा ज्यादा बना कर डबल डबल हो जाता। फिर कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों खूब